हेलो फ्रेंड्स, आखिर किससे परेशान हो गई थी नीतू सिंह? दोस्तों, आज फिर YR/18 ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी से एक कहानी लेकर आया है। किताब में ऋषि ने पत्नी नीतू को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। ऋषि बताते हैं, शादी के कई सालों बाद नीतू ने मुझे बताया कि वो सिर्फ एक बार मेरी को एक्ट्रेस को लेकर असहज हो गई थी। ऐसा तब हुआ जब मैं डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म सागर की शूटिंग कर रहा था। टिम्पल मेरी दोस्त थी, हम बॉबी में भी साथ काम कर चुके थे। फिर 10 साल बीते, वो शादीशुदा और 2 बच्चों की मां बनी। मैं भी अपनी फैमिली के साथ सेटल हो गया था, इसीलिए उसे डरने की जरूरत ही नहीं थी। एक अन्य प्रकरण के बारे में ऋषि लिखते हैं कि यश चोपड़ा चाहते थे कि मैं फिल्म डर में जुनूनी शख्स का निगेटिव रोल प्ले करूं, लेकिन मैं किसी भी तरह के निगेटिव रोल को करने के मूड में नहीं था, खासकर तब से जब मैंने चांदनी में उनके साथ काम किया था। बाद में फिल्म मेकर्स ने ऋषि कपूर को सनी देओल वाला रोल भी ऑफर किया, लेकिन उन्होंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। दरअसल ऋषि कपूर को लगता था कि उनका यह रोल विलेन के रोल के आगे दब जाएगा। इसके बाद ऋषि कपूर ने फिल्म दीवाना के को स्टार शाहरुख खान का नाम सजेस्ट करते हुए कहा कि वो इस रोल के लिए स्मार्ट और कैपेबल है। इसके बाद क्या हुआ यह तो सभी जानते हैं। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए बने रहे हमारे साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।